गांव में जब रामलीला होती थी या कोई शादी बारात होती थी या कोई भी उत्सव होता था तो आनंद ही आनंद, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, और गांव का हर छोटा बड़ा उसमें भाग लेता था। हर घर से कुछ न कुछ उसमें सामान मंगाया जाता था। और इस धूमधाम के बाद जब कार्यक्रम समाप्त होते थे तब वो जो सामान जहाँ जहाँ से लिया था वहाँ वापस लौटाना पड़ता था। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बेटा जिस जिस के घर से जो जो सामान आया है उनको इज्जत के साथ वो सामान लौटा देना, हाथ जोड़ के आना उनके घर में, फिर दोबारा काम आएगा। और रामलीला समाप्त तो हो गई लेकिन जीवन लीला के उत्तरकांड में सबका सामान जहां जहां से लिया भाई इज्जत वापस करने की कोशिश कर लेना, अन्यथा ऋण सिर के ऊपर बना रहेगा और वो ऋण कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले पेज में। हे प्रियवर, हमें इस जीवन लीला को चलाने के लिए हर किसी से कर्ज लिया है हमने, कहीं से हम पानी लेते हैं, कहीं हवा ले रहे हैं, कहीं जो ज़मीन से अनाज ले रहे हैं। माँ पिताजी ने हमें इतना सब कुछ दे दिया है, देवताओं ने प्रसन्न होकर के हमें इतना सुंदर ये शरीर दिया है, अच्छे काम करने के लिए दिए हैं, तो इन सब का साथ साथ ऋण चुकाना आवश्यक है। धरती माँ को हरी चुनरिया उड़ा दीजिए पेड़ों से, गौ माताओं की सेवा कर दीजिए, उन्हें भटकने मत दो, कचड़ा मत खाने दो, माता पिता की सेवा दिन रात कर लीजिए, गुरुजनों की सेवा करिए, देवी देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करिए और सब कुछ करिए नमन होकर। नमन तो करें आप इस पर विचार। नमस्कार, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड और जय अखंड भारतवर्ष।